फैमिली में भाई जरा अपना ड्यूटी पे अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज, ड्यूटी जा रहे हम, बंद कर दो। अल्लाह हाफिज। आज मैं बहुत लेट करके सो के उठी हूँ अम्मी के यहाँ पे। ये मेरे बाहर का नज़ारा देखिए, यहाँ से ये बिल्डिंग होने के बाद आर वो रास्ता मेन रोड नहीं नज़र आता है, फिर भी थोड़ा बहुत उस तरह उस साइड से रास्ता नज़र आती है। YouTube फैमिली, तैमूर का नहाना हो चुका है और तैमूर फ्रेश भी हो गया है। तैमूर यहाँ पे देखो, अस्सलाम वालेकुम कर दो बाबू हाथ उठा के। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अभी एक उंगली देगा, पहले पांच उंगली देता था सर पे, अभी एक उंगली देता है। नहीं खाना नहीं चाहिए, बंद करो, मेरा गुड बॉय हो ना तुम। अब्बू यहाँ पे देखो, तैमूर मत मुंह में नहीं देने, छिच्छी छिच्छी। तैमूर कोथায় এসছো? নানি ঘর। তুমি কি করছো? तैमूर एजो। मम्मी आई है आंटी के वहाँ, मैं भी आई हूँ आंटी के वहाँ और तैमूर खेल रहा है। अभी आंटी नमाज में है, छोटी आंटी भी आई है, जूबी अभी यहाँ पे बरंदा में देख रही है। गाइस मैं भी मेरे आंटी के घर पे आई हूँ काफी टाइम के बाद, तो मैं ऊपर में थी तो आंटी बोली आ जाओ हम लोग एक साथ खाना खाएंगे, तो आ गए हम। यूट्यूब फैमिली मैं कल चले जाऊंगी इसलिए मम्मी बोली थोड़ा से पकौड़ी करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आलू चॉप बना रही हूँ। देखिए मेरे बन चुका है, मैं कभी भी ये नाश्ता घर पे नहीं बनाई हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि ससुराल में हमेशा मेरी जेठानी जी बनाती है और घर में जब थी शादी के पहले तो मेरी बड़ी आंटी बनाती थी। तो यहाँ पे देखिए ये दाल और प्याजी, प्याज दे के जो होता है पकौड़ी वो बनाऊंगी मैं। और ये जुबिया के लिए सिर्फ बेसन के ऊपर देखिए आलू फ्राई करूंगी, तो पूरा बनाने के बाद मैं आपके साथ मिलती हूँ। मेरे हस्बैंड जी आ गए और मैं उन्हें बोली थोड़ा खा के बताओ कैसा बना है, क्योंकि मैं तो बनाती नहीं हूँ, तो उनको अच्छा लगा। मगर ये है, मैं दाल बड़ा में थोड़ा सा ये डाल दे दी थी लाल दाल। यूट्यूब फैमिली मेरे घर में आई है अनिशा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, अचानक से हम लोग का प्रोग्राम हुआ है भूख क्लास का मेरा, तो हम लोग 9:30 बजे जा रहे हैं सब कहीं मिलके, सब फैमिली मिलके जा रहे हैं। नौजवानी का फर्स्ट फूल जुबिया और अरसलान मिलके जो जब से रोने बैठ गए कि चलना होगा। देखिए इन लोग, ये दो बच्चे के लिए हम लोग जाना पड़ रहा रात में, ये दोनों बच्चे के लिए जाना पड़ रहा रात में, तो भूख क्लास में मेला में जाके मिलते हैं। सब किछु আছে বুড় তুই কথা বলিস না হ্যাঁ পুরো সংসার কা সামান হ্যায় ইয়াহা পে চলো ওইটাতে বস।
दाम बढ़ गया पिछले बार 30 था अभी 50 हो गया है। एक लो भाल लगे बोलो पहली बार गई हूँ भूई क्लास की मेला पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अनिशा लोग बहुत टाइम गई है और वो तो बचपन से जा रही है यहाँ पे और लोग तो बहुत इंजॉय की बोली थी। अनिशा अभी ये कोई भी भीड़ नहीं है, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे लोग के लिए राइड थे, बड़े लोग के भी राइड थे, पर हम लोग कोई भी राइड में नहीं चढ़े क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था हम लोग का। वहाँ पर थोड़ा देर घूमते घूमते मतलब 10:30 बज चुके थे और हस्बैंड जी और मेरे भाई हम लोग को वहाँ पर छोड़ने गए थे। उन लोग भी वेट कर रहे थे क्योंकि लोग मेले के अंदर नहीं गए, बहुत भीड़ थी बोल के, तो इसलिए बोले हम लोग बाहर में हैं तो लोग घूम लो। तो हम लोग यहाँ पे घूमे, बहुत खुश देखे, बहुत अच्छा लगा, मगर बहुत कम टाइम में हम लोग घूमे हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले साल फिर यहाँ बैठेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी और यहाँ पर जाके मैं बहुत अच्छे तरीके से सब वीडियो लूँगी और आप लोगों को बताऊँगी यहाँ पे क्या टेक्स किस तरह से किस दाम में मिलते हैं। और खाने पीने के सामान तो बहुत सारे थे और यमी यमी जुलपी थी, मिठाई थी और भुजिया थी, बहुत कुछ। और यहाँ पे कान का ईयरिंग बहुत सस्ते में जा रहा था तो ये सब हम लोग देख रहे थे, बहुत इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। तो YouTube फैमिली यहाँ पे हम लोग घर के लिए वापस जा रहे थे और अनिशा अपने घर में उसे भाई ड्रॉप कर दिया। देर तक हम लोग नहीं रुके थे, आधा घंटा मेले में घूरे और आधा घंटा लगा जाने में, आधा घंटा लगा वापस आने में क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब हुई थी इसलिए। तो बहुत हम लोग थक गए थे, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम के लिए जाऊंगी और शाम के वक्त जाऊंगी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।